नमस्कार किसान भाइयों एवं मित्रों एवं व्यूअर्स, सुप्रभात। कैसे हो? सब बढ़िया है आप सभी के परिवार में। नमस्कार किसान भाइयों एवं मित्रों, एक नई चीज़ लेके आया हूँ मच्छर के लिए, सफ़ेद मच्छर के खात्मे के लिए। ये नई चीज़ है, इस चीज़ का नाम है बाइफेथिन 10% ईसी इंसेक्टिसाइड चीज़ है। ये सफ़ेद मच्छर का खात्मा करने में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट पाया है इस चीज़ इस दवाई ने। और ये ज़्यादातर कपास में यूज करते हैं क्योंकि कपास में सफ़ेद मच्छर ज़्यादा लगते हैं। तो ये 1 लीटर 5 बीघा में स्प्रे करवा सकते हैं। 400 लीटर टंकी में 1 लीटर डाल के 5 बीघा कपास के ऊपर, कोई भी फसल के ऊपर 5 बीघा में स्प्रे करवा सकते हैं। सफ़ेद मच्छर या मक्खी का सत्यानाश खात्मा कर देगा, 100% रिजल्ट है। इसके साथ ये फाल की दवाई रखिए साथ में, जो बढ़िया रिजल्ट आएगा बढ़वार में, फाल में, और बढ़िया फूल गिरने नहीं देंगे नीचे, नहीं तो सफ़ेद मच्छर के कारण वो काटने से फूल नीचे गिरने लग जाते हैं और फूल नीचे गिरते हैं तो बहुत ही कम रिजल्ट आता है, ठीक है। और इसके साथ में ये चिपकने वाली दवाई भी ज़रूर दें। इस चिपकने वाली दवाई का बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है। ये चिपकने वाली दवाई हम दुकानदार इसलिए करवाते हैं कि ये दोनों दवाइयाँ पत्ते के ऊपर चिपक जाएं, जिससे कि 10 से 20 दिन ये दवाई काम कर पाए, भले ही उसके ऊपर पानी पड़े या बरसात आए, तो ये इन दोनों दवाइयों को नीचे नहीं गिरने देता है, 20 दिन तक ऊपर रखने देता है, जिससे कि फाल में बटवार भी आए और मच्छर ना लगे। बहुत ही बढ़िया बेस्ट रिजल्ट है, ये भी साथ लिया करो। कोई किसान होता है कि यार 150 रुपये कौन भाने, 100 रुपये कौन भाने, चले जाने दो ना यार, ये दो ही कर देंगे। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है इसका, ये साथ में लो। 150 रुपये में होने वाला भी कुछ नहीं है। इसीलिए सफ़ेद मच्छर और मक्खी का खात्मा करने के लिए बाइफेथिन 10% इसी कोई भी कंपनी का यूज़ लें। सफ़ेद मक्खी के लिए बाइफेथिन ही यूज लें। कोई दुकानदार थाइमोथोक्सम देगा, उसका सफ़ेद मच्छी पर को मक्खी पर कोई असर नहीं होगा। आपको बाइफेथिन 10% ही सफ़ेद मच्छी को खात्मा करना के लिए यूज लें। इसको 5 बीघे में 1 लीटर 400 लीटर पानी में फाल की दवाई, ये मक्खी की दवाई और ये चिपकने वाली पाव, ये साथ में मिलवा कर स्प्रे करवाएं, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आएगा। चलो किसान भाइयों एंड व्यूअर्स, विदा लेता हूँ। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। वापस आऊँगा नया वीडियो लेकर।